Once again, welcome to my channel Nirav Hingu, and in this Instagram live, aaj ki series mein, we are in a series of brand and brand management, which is a 90-day series I have started. Of course, kuch episode miss ho gaye hain, par abhi jo theme chal rahi hai for the 10 episode, another theme in the series of brand and brand management, I have the sales as a theme. So, day before yesterday, I talked about द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स एंड मार्केटिंग के दोनों में अंतर क्या होता है. आज हम बात करेंगे कि व्हाट आर द रिलेशनशिप बिटवीन द सेल्स एंड मार्केटिंग. सो आई वोंट रिपीट दोस पार्ट, लेकिन ऑफकोर्स मैं ये जरूर आपको बताऊंगा कि दोनों में दो ही ऐसी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसके कारण दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए और बिजनेस की ये दो प्रमुख आधार हैं, प्रमुख स्तंभ हैं. विदाउट द सेल्स एंड मार्केटिंग आप अपना बिजनेस चला ही नहीं सकते, चाहे आप सर्विस इंडस्ट्री में हो चाहे आप प्रोडक्ट इंडस्ट्री में हो. तो पहली बात आती है कि वाई देयर इज अ नीड फॉर द सेल्स और मार्केटिंग, क्योंकि पहले आती है मार्केटिंग फिर होती है सेल्स. तो मार्केटिंग क्या करती है, इट्स अ वेरी लॉन्ग टर्म प्रोसेस, वही सेल्स एकदम शॉर्ट टर्म प्रोसेस है. वही मार्केटिंग का मेन एजेंडा या ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि इट शुड क्रिएट अ क्यूरियोसिटी इन टू द माइंड फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द कस्टमर. दूसरा, सेल्स का ये ऑब्जेक्टिव होता है कि वो जो इंटरेस्ट बनाए रखा है उस इंटरेस्ट को कन्वर्ट कर दे कस्टमर की तरफ, अपने कस्टमर बनाने की तरफ. मोटा मोटा मैं बात करूँ कि मार्केटिंग क्रिएट अ क्यूरियोसिटी इन द माइंड ऑफ द कस्टमर्स अबाउट अ प्रोडक्ट और सर्विसेज व्हाट दे आर इनटू. दूसरी, जब वो सेकेंड वो आती है क्यूरियोसिटी करने के बाद सेकेंड स्टेप पे आता है, इट क्रिएट the hot leads and pass on to the sales department. और sales क्या कहते हैं, उन hot और fresh lead को convert करती है from inquiry into the customer, that is from prospect to the client base. तो ये दो मुख्य ऑब्जेक्टिव होते हैं सेल्स और मार्केटिंग का, इसलिए दोनों एक दूसरे के साथ चलती है. अगेन आफ्टर द थर्ड स्टेप आफ्टर द सेल्स इज बिन डन, द मार्केटिंग अगेन प्ले द रोल दैट इट शुड ऑल्सो ऑफर अ कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स आफ्टर सर्विसेज इवन द प्रोसेस ऑफ सेल्स इज कम्प्लीटेड और द ट्रांजेक्शन इज कम्प्लीटेड. जब वो ट्रांजेक्शन कम्प्लीट हो जाता है सेल्स का फ्रॉम हॉट लीड इन टू द कस्टमर, उसके बाद अगर कोई क्यूरी आती है तो मार्केटिंग का वो एक जिम्मेदारी होता है कि वो उस प्रोडक्ट की या सर्विस की जो क्यूरी है उसके कस्टमर की उसको फुलफिल करे. कभी कभार सेल्स और मार्केटिंग एक ही टीम संभालती है, किसी किसी कंपनी में दोनों अलग अलग रहती है. तो ये बहुत ज़रूरी है कि सेल्स एंड मार्केटिंग दोनों साथ साथ में ही चलती, दोनों सगी बहनें हैं. विदाउट द सेल्स दे वोंट बी मार्केटिंग, विदाउट द मार्केटिंग दे वोंट बी एनी सेल. तो बोथ आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, हैंड देयर इज अ वेरी डीप बॉन्डेज, अ डीप रिलेशनशिप बिटवीन द सेल्स एंड मार्केटिंग. सिंपल टर्म में यही मैं बोलूँगा जो मैं पिछले 2-4 मिनट से बोल रहा हूँ. तो आपके एपिसोड बहुत शॉर्ट ही रहेगा. तो अंडरस्टैंड द फर्स्ट पार्ट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेल्स इज द लॉन्ग टर्म, ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेल्स इज द शॉर्ट टर्म, ऑब्जेक्टिव ऑफ द मार्केटिंग इज द शॉर्ट टर्म. सेकेंड, द मेन गोल ऑफ द मार्केटिंग टू ड्रिवन ऑफ एंड टू क्रिएट अ क्यूरियोसिटी इन द माइंड ऑफ द कस्टमर. सेकेंडली, द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेल्स टू कन्वर्ट दोस इंक्वायरी इन टू द सेल्स. थर्ड, द मार्केटिंग ऑल्सो क्रिएट द कंटिन्यूस ब्रांडिंग प्रोसेस फॉर द कस्टमर. थर्ड, द सेल्स ऑल्सो हेल्प आफ्टर डूइंग द कंटिन्यूस मार्केटिंग फॉर द लॉन्ग टर्म, इट क्रिएट अ क्यूरियोसिटी एंड ऑल्सो हेल्प इवन आफ्टर द सेलिंग द प्रोडक्ट, इट कैन अपसेल द प्रोडक्ट बिकॉज मार्केटिंग कंटिन्यूसली चल रही है, ब्रांडिंग कंटिन्यूसली मार्केटिंग डिपार्टमेंट करते जा रहा है. तो उसके कारण क्या हो रहा है, अपसेलिंग और भी बढ़ जाती है. मतलब एक प्रोडक्ट के बाद खरीदने के बाद अच्छा लगा, फिर वापस उसके वेबसाइट पर या उस कस्टमर के स्टोर पर जाता है तो अगेन द सेल्स वन कैन अपसेल अनदर प्रोडक्ट अलॉन्ग विद द प्रीवियस प्रोडक्ट और विद द करंट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट. तो इसीलिए क्या होता है ना कि सेल्स और मार्केटिंग दोनों की ही साइकिल चलती रहती है और दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहता है. तो कभी ना सेल्स रुकती है ना कभी मार्केटिंग रुकती है. हैंस देर शुड बी ऑलवेज इनोवेशन इन टू द सेल्स एज वेल एज इन टू द मार्केटिंग. तो इनोवेशन भी आता है, तो सेलिंग के अंदर में अपसेलिंग भी होती है, उसमें भी इनोवेशन होता है. एक पे एक फ्री, दो प्रोडक्ट पे एक फ्री, रेफरल के साथ में दो प्रोडक्ट फ्री, ठीक है. और उसी तरह मार्केटिंग भी निरंतर इनोवेशन करते रहता है जिसके कारण वो लीड्स नर्चर होती रहती हैं और उस नर्चरिंग
होने के बाद वो लीड को सेल्स वाले उसको अपसेलिंग में काम करते हैं, तो बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई होप आज के छोटे से 4-5 मिनट के एपिसोड में मैंने जितना सिंपल टर्म में समझाने का प्रयास किया है उतना मैंने समझाया है सेल्स और मार्केटिंग को, क्योंकि मैं खुद सेल्स में रहा हूँ इतने साल, तो आई कैन अंडरस्टैंड हाउ द मार्केटिंग एंड सेल्स आर इंटरडिपेंडेंट। एंड सेल्स अगर आपकी नहीं हो तो कितना भी अच्छा प्रोडक्ट हो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। सो आई होप अ स्मॉल एपिसोड ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड मार्केटिंग मेक सम सेंस टू योर बिजनेसेस। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। आई शैल सी यू इन टू द नेक्स्ट एपिसोड इन अ थीम ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग इन अ सीरीज ऑफ ब्रांड एंड ब्रांड मैनेजमेंट। थैंक यू वेरी मच।